अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं, फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं, जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीनन नाउम्मीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुकरी करने लग जाए, तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीठ फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फरमाबरदार हैं।